शाहरुख खान से बड़ा तो कोई स्टार ही नहीं है हिंदुस्तान में। इसी चीज की जलन है कि उसके आगे खान लगा हुआ है, सामने तिरंगा लगा हुआ है, उसमें भी भगवा कलर है कि नहीं, ये बताओ आप। उसमें कलर थोड़ी पहना, उसमें तो मुसलमान का भी कलर है, मुसलमान का विरोध उठा रहा है उसमें। जो लोग कह रहे हैं ना मारेंगे ये, इस गांडू खुद लेन में लगे हुए होंगे ये। अरे भाई 25 तारीख आने दो, ये सब वहाँ पे दलाली करके छोले बेच रहे होंगे और थिएटर हो के आगे। वो अगर चाहे तो इन सबसे चने बिकवा दे अकेला। भगवा कलर पहन के अरे जो इस तरीके से उसका अपमान किया जा रहा है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ वो मुसलमान धर्म से भी नहीं है। देखो आप किसी चीज का जब मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो आपके पास एक रास्ता है, आप उसका विरोध कर लो। विदेश में तो टिकट भी नहीं मिल रही है उसकी फिल्म का। 100 आदमियों को तो मैंने टिकट बुक कराई, उनको अपने साथ लेके जाऊंगा मैं। कौन सी अश्लीलता फैल गई? कोई बिलू फिल्म बना दी क्या? कोई बिलू फिल्म बनाई है उसने? कोई सनी लियोनी से जोड़ लो क्या इसे? लोग तो टमाटर भी तो ऑरेंज होता, खाना छोड़ दे, ऑरेंज होता खाना छोड़ दे। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट पैलेस में, जिस तरीके से पठान मूवी को लेकर के जगह जगह पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग जो है ये कह रहे हैं कि हम थिएटर में आग लगा देंगे, तोड़फोड़ करेंगे। अहमदाबाद में जो है बहुत सारे पोस्टर्स को जलाया गया, वहाँ पे तोड़फोड़ किया गया। हम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि लोग यहाँ पे पठान मूवी का समर्थन कर रहे हैं या उसका बायकॉट कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि पठान मूवी का बायकॉट होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? दिक्कत क्या है उसमें? सब कुछ तो सही है। लोग कह रहे हैं कि ऑरेंज कलर की बिकनी है, उसकी वजह से हम जो है उसका बायकॉट करेंगे। ऑरेंज कलर तो पहले भी इस्तेमाल हुआ है। किसने इस्तेमाल किया? सबने किया, निरहुआ ने किया है, उसने निरहुआ ने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया, मनोज तिवारी ने किया है। इससे ज्यादा पहले चीज तो फैली है, मनोज तिवारी ने भी करा है इससे। भाई रुक जाओ ना थोड़ा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपसे ज्यादा पहले अश्लीलता फेरी है, दिक्कत ही ना किंग खान से है, और कोई बात नहीं है। वो जो उसके आगे खान लगा हुआ है ना, उससे दिक्कत है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अश्लीलता तो पहले और ज्यादा फैली है। आप पहले के तो देखो, और पहले भगवा कलर कितना इस्तेमाल हुआ है, तो पहले तो आपने प्रदर्शन नहीं करे, पहले थिएटर में आग नहीं लगाई, पहले पोस्टर नहीं जलाए, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? बिल्कुल देखने जाएंगे। शाहरुख खान को कैसे हीरो लगते हैं आपको? शाहरुख खान से बड़ा तो कोई स्टार ही नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ। हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई स्टार नहीं है। हाँ। और यही जलन है बस इनको, इसी चीज की जलन है कि उसके आगे खान लगा हुआ है, और इससे बड़ा स्टार हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया उसकी फैन फॉलोइंग में है। वो तो इसलिए उससे जलन है, और कोई बात नहीं है। पहला या दूसरा? पहला देखेंगे भाई साहब, पहला देखेंगे। और हमने पूरा मतलब बुक करा रखे हैं सब टिकट विकट। टिकट बुक करा रखे हैं? हाँ। अच्छा, एडवांस देखने उसको मारेंगे बाहर आएगा तो? कौन देख, कौन मारेगा? अरे भाई देखो, जो लोग कह रहे हैं ना मारेंगे ये, इस गांडू खुद लेन में लगे हुए होंगे ये। जो लोग कह रहे हैं ना, वो टिकट की लेन में लगे हुए होंगे, ये सब बकवास बात है, मुद्दा भटकाने वाली बात है। चलने नहीं देंगे जी, तेरे पूरे दिल्ली NCR में कहीं चलने देंगे? अरे भाई 25 तारीख आने दो, ये सब वहाँ पे दलाली करके छोले बेच रहे होंगे और थिएटर हो के आगे। शाहरुख खान से चने बेचवाना है? अरे भाई वो अगर चाहे तो इन सबसे चने बिकवा दे अकेला। वो अकेला इतना सेठ आदमी है, वो उसका मुकाबला नहीं है, जब भी तो उसका विरोध कर रहे हैं। देखो आप किसी चीज का जब मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो आपके पास एक रास्ता है, आप उसका विरोध कर लो। हाँ। ये सबसे आसान रास्ता है। हाँ। हिंदुस्तान की सरजमीन पे उससे बड़ा कोई एक्टर नहीं है। हाँ। तो आप उसका मुकाबला तो कर नहीं सकते। अक्षय कुमार नहीं है? हाँ भाई, उसके आगे उसे लगा रहे हो तुम यार। किंग खान है कोई दूसरा? हाँ या ना का जवाब दो आप। कब्जा कर ले रहा है बॉलीवुड पे भाई, कब्जा क्या, पूरा कब्जा ही है इनका। तुम इससे बड़ा स्टार लिया हो ना, उससे कब्जा करवा लो। तुम इससे बड़ा स्टार लिया हो ना, कितने सारे तुम्हारे हैं, भोजपुरी भोजपुरी कोई काम, इतना सक्सेस हुआ है तो बता दो। और ये किसी स्टार किड नहीं है, अकेले दम पे करा है उसने सब कुछ। तो आप जाएंगे देखने? बिल्कुल जाएंगे देखने भाई साहब। उनके लिए क्या कहेंगे आप? अरे भाई साहब 100 आदमियों को तो मैंने टिकट बुक कराई, उनको अपने साथ लेके जाऊंगा मैं। 100 आदमियों को टिकट बुक कराया है? अपने पास से दिखाऊंगा मैं। अच्छा, हाँ हाँ, इसमें क्या खास है कि जो है 100 आदमियों को टिकट बुक करा कर आप लोगों के साथ जाएंगे फिल्म देखने? भाई हमारा किंग खान है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम उसको ले, हम लोगों को दिखाएंगे। कह रहे हैं कि इस मूवी से अश्लीलता फैल रही है। कौन सी अश्लीलता फैल गई? कोई बिलू फिल्म बना दी क्या? कोई बिलू फिल्म बनाई है उसने? कोई सनी लियोनी से जोड़ लो क्या इसे? लोग तो कह रहे हैं कि कुछ बिलू फिल्म से कम है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ। देखो वही वाली बात है, अब अगर आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते तो विरोध करोगे और क्या करोगे तुम? क्या लगता है कि पठान मूवी का बायकॉट होना चाहिए या नहीं?
नहीं बायकॉट नहीं होना चाहिए, अगले नेता पैसा लगा देखने तो जाओ, एटलीस्ट उसके बाद देखने के बाद पता करे ना भी बायकॉट करने जाऊंगा भाई यार। वो तो कह रहे समाज में अश्लीलता फैली मूवी से। यार समाज में अश्लीलता कौन कह रहा है, सारे कह रहे हैं तो सब ऐसे थोड़ी है, बिना देखे कौन कह देगा। आप देखो पहले एटलीस्ट देखो सही, बाद में पता चले। ट्रेलर है ना उसमें ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी हुई है तो ऑरेंज को यार सनी लियोन पहले काम करी थी फिल्मों में आ रखी है, उसका मतलब ये थोड़ी है भी। आप फिल्म देखेंगे? हाँ सारे देखेंगे। शाहरुख खान को कोई मतलब पसंद करने को करते हैं, माँ बाप को पसंद करते हैं, किसी को नहीं कर रहे हम तो फिलहाल, लेकिन फिल्म देखना है। फिल्म देखेंगे एक बार देखेंगे। और 2.5 करोड़ की तो फिल्म बनी हुई है, 3.5 करोड़ में तो फिल्म को तो बेच दिया उसने, पहले वो 2 करोड़ रुपए कमा के बैठा हुआ है, पब्लिक देखे ना देखे उससे कोई मतलब नहीं है, फिल्म तो पहले उसकी पास हो गई है, विदेश में तो टिकट भी नहीं मिल रही है उसकी फिल्म का। अच्छा इंडिया थोड़ी है, आपके जेब में पैसे आप देखो नहीं है, जब मैं नहीं देखो बात खत्म हो गई, पब्लिक देखने की क्या बात है उसमें। क्या लगता है कि आप फिल्म देखने जाएंगे पटना? देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे अपने। अच्छा कुछ लोग मतलब देखो ऑरेंज बिकनी की वजह से उसका बायकॉट भाई संतरा और इंच है मुंतेवाड़ी और गाना बीजेपी का गाना गाया है भगवा कलर पहन के, तो उस टाइम में कहते तुम लोग। अच्छा वो समय तो तुम ही लोग मीडिया लगे घूमते कि नहीं घूमते, मुंतेवाड़ी है ना बीजेपी का है ना संसद, बीजेपी का नेता है कि नहीं है ये बताओ मेरे को, बीजेपी का भगवा कलर पी गए बीजेपी का गाना गाया कि नहीं गाया ये बताओ मेरे को, ये आप लोग जवाब दो मेरे को, जब आप लोग विरोध क्यों नहीं किए, आप लोग विरोध क्यों नहीं किए इसके बाद तो पूछो। इसके लिए क्या कहेंगे आप, अपमान करेंगे किसी का क्या? यार तिरंगा तो उसमें भी है, सामने तिरंगा लगा हुआ है उसमें भी भगवा कलर है कि नहीं ये बताओ आप, उसमें कलर थोड़ी पहना, उसमें उसमें तो मुसलमान का भी कलर है, मुसलमान का नहीं विरोध उठा रहा है उसमें, अश्लीलता फैलाएंगे आप समाज में? नहीं हम क्यों उठाएंगे, अरे जिसकी इच्छा है देखो, जिसकी इच्छा है देखो, बात खत्म हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फिल्म देखने जाएगा हम उसको मारेंगे, थिएटर में आग लगाएंगे, किसी को थोड़ा से कोई मार देंगे, ऐसे थोड़ी किसी को मार देंगे। अब आपको मैं बकर से 2 थप्पड़ मार दूंगा मैं आपको, मैं ये बताओ आपको इच्छा है देखना है तो देखो, नहीं देखना बात खत्म हो गई। चलिए क्या लगता है अंकल इसका, जो पठान का समर्थन होना चाहिए बायकॉट होना चाहिए? देखो ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक को सपोर्ट, पब्लिक को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। आप देखने जाएंगे या नहीं? हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस फिल्म में क्या कहानी है, इसका क्या क्या कारण निकलता है, ये तो मतलब इसका इसका क्राइम क्या है, अगर पब्लिक इसको सपोर्ट करती है तो सब बच्चे सुपर हिट हो जाएगी। अच्छा अगर पब्लिक इसको नहीं सपोर्ट करती तो सब लोग इसके इसके खिलाफ विरोध हो जाएगा। आपकी तरफ से सपोर्ट है या बायकॉट है? देखो ये तो देखने पर पता चलेगा। आप क्या मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या बायकॉट कर रहे हैं? हम तो सपोर्ट ही करेंगे। चलिए आप क्या सोचते हैं कि पठान का सपोर्ट होना चाहिए बायकॉट? सपोर्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ट्रीजर मैंने जैसा देखा है बहुत बढ़िया है और हम लोग देखने जाएंगे। शाहरुख को पसंद करते हैं आप? या पसंद करते हैं, सलमान भाई को भी मैं पसंद करता हूँ, 20 मिनट के लिए वो आए इसलिए जाना है मुझे। हेलो हीरो कोई बुरा नहीं होता, सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन है, हीरो कोई बुरा नहीं होता, जैसे हम आपके पास काम कर रहे थे आप जैसा होगा फिर हमें हमको वैसे ही काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, आप जैसा होगा फिर हमको वैसे ही काम करना पड़ेगा, जैसे हीरो की कोई गलती नहीं होती, जो डायरेक्टर जो बोलता है हीरो को फिर वैसे ही काम करना पड़ता है। ब्लॉकबस्टर मूवी जाने वाली है? अच्छा ब्लॉकबस्टर मूवी जाने वाली है? जाने वाली है। अच्छा कुछ लोग मतलब ऑरेंज कलर की वजह से ऑरेंज बिकनी की वजह से उसका बायकॉट नहीं, वो बस हुआ और कुछ नहीं बस ऐसे, लेकिन ऑरेंज मतलब माहौल खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, लेकिन पहले नहीं उठा अक्षय कुमार की मूवी में भी आया हुआ है ये सब कैटरीना कैफ, लेकिन की लोग कह रहे हैं कि पहले जो हो गया वो हो गया, बस ये राजनीति की होती है और कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं है अश्लीलता, फिल्म देखने के बाद में पता चलेगा अश्लीलता वाला होता खाना छोड़ दे। क्या कह रहे हैं? टमाटर भी तो ऑरेंज होता खाना छोड़ दे, ऑरेंज होता खाना छोड़ दे, ऑरेंज कलर का जो ऑरेंज होता वो भी खाना छोड़ दे। साबुन कहाँ कहाँ लगाते हैं पता नहीं, क्या कह रहे साबुन कहाँ कहाँ लगाते हैं? साबुन भी तो होता है, यहाँ सरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, कोर्ट ने अपना संसद बन का फैसला सुना दिया, जो पिक्चर में जैसा रहेगा वैसी रहेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या मतलब ये फिल्म जो है फ्लॉप नहीं होगी क्या? फ्लॉप हो ना होगी ना होगी वो बाद में देखा जाएगा। क्या फर्स्ट डे 100 करोड़ हाँ वो फ्लॉप होगा ना होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, बोला जो जैसा पिक्चर है वैसी रहेगा, तो आप जनता लोग बोलने से क्या फायदा? जब ये तो सरकार को सुनना चाहिए ना, सेंसर बोर्ड को सुनना चाहिए ये चीज, जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो फिर इसमें निकाल दिया, उसके बाद फिर जब
ये हुआ तब ऐसा कहना चाहता हूँ भाई, मतलब ये कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो इसपे जो है जनता को आवाज ही नहीं उठा। सेंसर बोर्ड तो ऑलरेडी, सुनो, शाहरुख खान को जो आज के यंग युवा लड़के है अच्छे संस्कार देने चाहिए। ये एक भगवा कलर पहन के और एक जो इस तरीके से उसका अपमान किया जा रहा है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ वो मुसलमान धर्म से भी नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म को ठेस पहुँचाना वो इंसानियत नहीं है, वो इंसानियत नहीं है। अरे शाहरुख खान ने शॉट तो लिया है, पूछना था कि कलर क्यों पहनवा रहे हो, वो खुद में उसको शॉट नहीं करना था ना, उसको इनकार कर देना चाहिए, पूछना था कि फिल्म किसको पहना रहा, क्यों ये कलर हम क्यों इसको क्यों पहना रहे, विरोध होगी कि नहीं होगी, युवा है उन्हें अच्छे से पहले और भी